खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का टर्की से प्यार भरा नमस्कार। भाई टर्की में लोग क्या क्या खाते हैं, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मतलब खाना बनाने से पहले यहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए मेरे साथ। इस्तांबुल शहर का बाजार यहाँ के लोगों की चहल पहल और खाने से महकता है, और यहाँ के लोग बढ़िया बढ़िया खाने बिल्कुल नए अंदाज से बनाते हैं। ये लोग ज्यादा मसाले तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन खानों की खूबसूरती देखकर इन्हें बार बार खाने का मन जरूर करता है। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा टर्किश फूड स्पेशल, सिंपल बहुत ही आसान सा है। अब किस चीज़ से शुरुआत की जाए, आज की कुछ मीठा हो जाए। हाँ वैसे हम लोग जो रेसिपी बनाते हैं ज़्यादातर मीठा बाद में दिखाता हूँ मैं, लेकिन अब टर्की में मीठा ही मीठा, इतना ज़्यादा मीठा है कि मैंने सोचा शुरुआत मीठे से की जाए। तो मीठे में क्या, एक हलवा है यहाँ पर, बकलावा, टर्किश डिलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो मीठा है ये क्या है। ये हलवे के लिए सबसे पहले यहाँ पर तो लोग मक्खन या मार्जरीन का इस्तेमाल करते हैं, आप घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पर ट्रेडिशनली मीठा भी ज़्यादा होता है इनकी मीठी डिशेस में, और घी मक्खन तेल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब जब इसमें मक्खन या घी आप गर्म कर लें, तब इसके अंदर हम डालते हैं कुछ पाइन नट्स, चिलगोजे, और इसे हल्का सा सौते कर लेते हैं। और ये जो हलवा हम बनाएंगे ये बनेगा सूजी का। और यहाँ पर इस हलवे को कहते क्या है, सूजी का जो हलवा है, सूजी यानी सेमोलिना, सेमोलिना हलवाश। टर्की में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा से काफ़ी मिलते हैं, जैसे हवा को हवाई कहते हैं, दुनिया दुनिया कहते हैं। अच्छा बातचीत ज़्यादा नहीं करें और अब इसके अंदर डाल दें, ये लीजिए सेमोलिना। तो चलिए अब ये अच्छी तरह से भून लिया, और अब इसके अंदर पानी, और ये अच्छी तरह से पका लिया, और इसके अंदर दूध भी, ये देखिए। अच्छा यहाँ पर टर्की के अंदर जो स्वीट्स मिलती हैं वो दूध की काफ़ी स्वीट्स होती हैं यहाँ पर, और खीर जैसी भी चीज़ होती है। दूध की जो डेजर्ट्स हैं वो दुकानों पे, पूरी पूरी दुकान दूध की डेजर्ट्स की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अब इसके अंदर चीनी, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मीठा रहता है वो नॉर्मल से ज़्यादा, यानी मिठास ज़्यादा होती है, लेकिन आपको कितना मीठा खाना है वो आपकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने देखी वो ये कि हलवे के अंदर वो नींबू और संतरा भी डाल लेते हैं। कैसे, ये नींबू और नींबू का थोड़ा सा छिलका ये ग्रेट करके, इसमें ज़्यादा नहीं, और संतरा ये लीजिए, और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये डाल दिया। और अगर आपको किशमिश डालनी है तो किशमिश डालें, बादाम और पिस्ता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत खाते हैं, ये लीजिए। और अब ये जो हलवा है ये हो गया तैयार, और अब इसे आप खाएं परोसें गर्मा गर्म। वैसे आप इसमें केसर डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि केसर एक ऐसी चीज़ है चाहे ईरान हो, टर्की हो या हिंदुस्तान, सबको पसंद आता है, आपको भी आएगा आप डालना चाहें तो, क्योंकि महंगा बहुत होता है। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। सेमोलिना हलवा, इसके लिए हमें चाहिए एक कप रवा यानी सूजी, एक चौथाई कप मक्खन, दो बड़े चम्मच चिलगोजे, एक कप दूध, एक कप चीनी, आधा छोटा चम्मच नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, आधा छोटा चम्मच संतरे का छिलका ग्रेट किया हुआ, दो बड़े चम्मच किशमिश, पांच बादाम कटे हुए, और सात से आठ पिस्ता कटे हुए।
इसे बनाने के लिए घी में चिलगोजे डालकर भून लें। इसके साथ इसमें सूजी डालकर इसे भी सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें 2 कप पानी डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें दूध और चीनी डालकर कुछ देर तक और पका लें। अब नींबू और संतरे का छिलका कुतर कर इसमें डालें और इसमें किशमिश, कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें और कुछ देर पका कर इसे सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ टर्की में और टर्किश स्पेशलिटीज़ कुछ देख रहे हैं। मीठा तो हो गया, अब एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है डोलमा। जिस चीज़ को स्टफ़ कर दिया जाता है तो उसको डोलमा कहते हैं। वैसे एक और चीज़ होती है जो अंगूर के पत्तों में बनाई जाती है, रोल की जाती है, लोग उसको भी डोलमा कहते हैं, लेकिन उसको सारमा कहा जाता है। जब किसी चीज़ को रोल किया जाए तो उसको सारमा कहते हैं, जब स्टफ़ किया जाए तो डोलमा कहते हैं। डोलमा बनाते हैं और ये जो डोलमा है ग्रीन पेपर्स का, शिमला मिर्च का, इसके लिए करना सिर्फ इतना है, शिमला मिर्च ले लें आप मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं, और ये बीच में से इसके जो बीज हैं वो निकाल देने, ये देखिए। और फिर इसमें भरेंगे क्या देखते हैं, ढेर सारा प्याज, उसके साथ साथ लहसुन, इसके साथ इसमें हम डालेंगे चावल। अच्छा ये देखिए जो चावल है, ये चावल को गर्म पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है करीब 15-20 मिनट तक। तो ये चावल इसके अंदर, और अब इसके अंदर हम डालते हैं ये कीमा, और फिर इसमें डालें नमक, और इसके साथ इसमें डालें ड्राइड मिंट, सूखा हुआ पुदीना, ये पुदीने के पत्ते। अच्छा अगर आपने इसे स्पाइसी करना है, देखिए यहाँ पर ये 2 तरह की इस तरह से मिर्च मिलती है कुटी हुई, एक बढ़िया लाल रंग की है और एक थोड़ी गाढ़े रंग की है, ये काफ़ी तीखी है, ये भी कम तीखी नहीं है। यहाँ पर इसको जब मैंने पूछा उनका, ब्लैक पेपर नहीं है, ये भुनी हुई लाल मिर्च है पिसी हुई, तो चलिए थोड़ा ये डाल देते हैं और थोड़ा सा ये, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अब क्या है, बस अब तो बहुत ही सिंपल काम रह गया है और वो है इन मिर्चों को भरने का। ये लीजिए, ये जितनी शिमला मिर्च है इसको भर के हमने डाल दिया, कीमा इसमें भरा है, प्याज है, चावल है, सारे भर के इसका डोलमा तैयार करना है। और अब हम इसे पकाने के लिए रख देते हैं। तो पकाने के लिए क्या करना है, बस पकाने के लिए ये तेल, अच्छा यहाँ पर ये जो सब्जियाँ भी बनाते हैं उसमें भी ढेर सारा तेल डालते हैं, तो ये तेल, और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा लहसुन, और उसके साथ साथ टमाटर, ये देखिए, और यदि आप चाहें तो थोड़ा ये टमाटर का प्यूरे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो टमाटो प्यूरे डालें वो ताज़ा वाला डालें, टमाटर और थोड़ा सा प्यूरे, और फिर इसमें डालते हैं नमक, ये लीजिए। वैसे यहाँ पर तो लोग एकदम ब्लैंड ही खाते हैं, क्यों ना थोड़ी सी ये मिर्चें डाल दें ये अपने लिए, और फिर इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब जब ये पानी उबलने लग जाए, देखिए ये इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, अब इसके ऊपर लगाएं ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसकी आंच कर दें धीमे और इसको करीब 20 से 30 मिनट तक पकने दें, ताकि जो कीमा है वो पूरी तरह से गल जाए, जो चावल है वो भी पूरी तरह से पक जाए, जो शिमला मिर्च है उसमें तो समय लगेगा ही नहीं। एक चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, ये लोग जो सब्जियाँ खाते हैं बनाते हैं, हरी सब्जियाँ भी इतनी हरी दिखती नहीं है, उसको ढेर सारा पकाते रहते हैं, और क्योंकि उसके अंदर वो एसिड या तो विनेगर या नींबू या टमाटर इतना ज़्यादा डालते हैं कि उसका रंग वैसे ही कम रह जाता है, उतना हरा नहीं रहता। ये जो शिमला मिर्च है पकाते हैं,
करीब आधे घंटे तक देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। पूरी तरह से पक जाएंगी, मटन पक जाएगा और उसके साथ साथ जो चावल हैं वो भी पूरी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद इसे परोसे गर्मा गर्म। वैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म पे भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर लेते हैं। आपकी मर्जी है आप कैसे खाना चाहते हैं। अभी नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स और उसके बाद एक रिकैप। अच्छा भाई, यहाँ पर इस्तांबुल में हूँ, टर्की में, बहुत घूमने की जगहें हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, कहीं ना जाएं, देखते रहें खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए 8 हरी शिमला मिर्च, 3 प्याज कटी हुई, 20 लहसुन की कलियां कटी हुई, 8 बड़े चम्मच चावल कुनकुने पानी में भीगे हुए, 8 बड़े चम्मच मटन का कीमा, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच सूखे पुदीने के पत्ते कुटे हुए, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच भुनी और कुटी लाल मिर्च, 6 बड़े चम्मच तेल, 4 टमाटर कटे हुए और 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इसे बनाने के लिए शिमला मिर्च को ऊपर से काट कर इसके बीज निकालते हैं। एक बोल में प्याज, लहसुन, भीगे हुए चावल, मटन का कीमा, नमक, सूखा पुदीना, भुनी और कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च मिला लें। अब इस मिश्रण को शिमला मिर्च के अंदर भरें। अब इस स्टफ की हुई शिमला मिर्च को एक पैन में रखकर इसके ऊपर तेल, कटा लहसुन, कटे टमाटर, टोमेटो प्यूरे, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी डालें और इसे ढककर मध्यम आंच पर करीब 30 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई यहाँ पर कहाँ पर, टर्की में है आजकल हम, और इधर कबाब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि मौसम भी बढ़िया है, इतनी बढ़िया धूप है, थोड़ी सी सर्दी है और समुद्र के किनारे कुछ कबाब बनाए जाएं। यहाँ पर वैसे तरह तरह के खाते हैं, काफ़ी मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, सब्जियाँ भी बहुत सारी पका के खाते हैं, कबाब के रूप में खाते हैं। कैसे खाते हैं ऐसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पर वैसे तो तीखा ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन ये जो तीखी मिर्च है ये ज़रूर खा लेते हैं, और दिखने में बड़ी है लेकिन है काफ़ी तीखी। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो मिर्चें होती हैं छोटी वाली होती हैं वो ज़्यादा तीखी होती हैं, लेकिन ये बड़ी मिर्च भी काफ़ी तीखी है। तो अब कैसे पता चले, चख के ही पता चल सकता है। तो ये तीखी वाली मिर्च जो यहाँ पर कहते हैं कि साउथ से आती है, तो वो मिर्च, और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि इसको हम काट लेते हैं और इसके इस तरह के पीसेस। अच्छा, और क्या सब्जी इस्तेमाल करें, टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो टमाटर है इसमें आप इसको किस तरह से डाला जाए। चलिए इसे हम डालते हैं कुछ इस तरह से। और इसके अलावा क्या डाला जाए, वैसे यहाँ पर बैंगन भी डालते हैं, तो चलिए बैंगन अगर जो डालना है तो कैसे डालें। वैसे लंबा वाला जो बैंगन रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मेरे पास ये है तो इसको डालें या नहीं डालें मैं सोच रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा डाल लेते हैं, और ये जो बैंगन है ये लीजिए, बैंगन, और बैंगन के पीसेस। इसमें चिकन के साथ में बनाते हैं कबाब, तो ये जो चिकन है इसमें थोड़ा नमक और हर्ब्स डाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और डालें या नहीं डालें, डाल सकते हैं, ये जो है ये देखिए, इसमें अगर थोड़ा लहसुन डाल दिया जाए तो कैसा रहे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने और देखी है कि एक ही कबाब के दो रूप भी होते हैं, कि भाई ये तो एक नॉर्मल वाला और एक ये मिर्चों वाला, तो ये मिर्चों वाला जो है इसमें हम मसाले वाला ज़रा लाल मिर्चें डाल के तीखा बनाते हैं, ज़रा इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब क्या करना है, बस अब ये सीख में लगाना है, और सीख में लगाने के लिए सबसे पहले बैंगन और फिर चिकन लगा लेते हैं। चलिए ये हमने लगा लिया, बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर के साथ में चिकन, और इसी तरह से ये जो नॉर्मल वाला है वो ले लेते हैं, और इसके अंदर जो है मैं एक काम करता हूँ कि इसमें लगाता हूँ सिर्फ चिकन और
टमाटर। अब क्या करना है, बस अब इसे रख देते हैं इसके ऊपर और इसे आप इसी तरह से पकने दें। इसको पलटने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाते हैं और ये जो तेल है इससे ही होगा मॉइस्ट। तो ये तेल इसके ऊपर, वाह, पलट लिया, तेल लगा लिया, बस पूरी तरह से जब ये पक जाए तैयार, खाइए गर्मा गर्म कबाब टर्किश स्टाइल में। खैर स्टाइल सब जगह एक जैसा ही होता है, कबाब होने चाहिए गर्मा गर्म। अब नोट करें इसकी गर्मा गर्म रेसिपी और उसके बाद गर्मा गर्म रीकैप। इस कबाब के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम बोनलेस चिकन के टुकड़े, 4 टमाटर कटे हुए, 1 बैंगन चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 8 लहसुन की कलियां कटी हुई, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और बेस्टिंग करने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए चिकन के पीसेस में नमक और मिक्स्ड हर्ब डाल लें और इसे 15 मिनट तक रख दें। अब आधे पीसेस के अंदर कटा हुआ लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, भुनी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। अब एक स्क्यूअर के ऊपर बैंगन, चिकन के पीसेस, हरी मिर्च और टमाटर लगाकर इसे तैयार बारबेक्यू पर रखें। बीच बीच में इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएं और मजा लें इस कबाब का गर्मा गर्म। टर्की के इस्तांबुल शहर की खूबसूरती बढ़ाने में यहाँ के लोग काफी मेहनत करते हैं। वो चाहे यहाँ पर बने खूबसूरत कालीन हो या ऐतिहासिक इमारतें, यानी हर तरफ खूबसूरती और इतिहास। और ये मजा तिगुना हो जाता है यहाँ के खोमचों पर मिलने वाले रंग बिरंगे मीठे और चटपटे खाने खाकर। अब बारी है आज की टिप। भाई कबाब वाला सैंडविच बनाना हो तो ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएं और धनिया पुदीने की चटनी लगाकर अब इसमें कटा हुआ चिकन टिक्का कबाब या कोई भी कबाब रखें, उसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस रखें, फिर दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस से कवर करके इसे ग्रिल करें और सर्व करें। चलिए आज का हमारे स्पेशल टर्किश एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसी तरह से बढ़िया बढ़िया खाने हमेशा आपको मैं देता रहूंगा। आप देखते रहें खाना खजाना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।